और दोस्तों आप लोग 18,000 के अंदर एक बढ़िया सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो ये एक परफेक्ट टाइम है किसी भी एक अच्छा स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए, क्योंकि अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे जो स्मार्टफोन 20,000 के ऊपर देखने को मिलता था वो सारे स्मार्टफोन अभी के टाइम पे 18,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये सारा स्मार्टफोन 18,000 के अकॉर्डिंग टॉप नॉइस लेवल का वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है जिसे आप लोग 18,000 के अंदर परचेस कर पाओगे। और ये सारे स्मार्टफोनों में पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस के साथ कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, टॉप नॉइस लेवल का कैमरा दिया गया है सोनी सेंसर OIS के साथ जिससे आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, टॉप नॉइस लेवल का डिजाइन के साथ फास्ट चार्जिंग और बिग रैम बिग स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है और बाकी सब स्पेसिफिकेशन तगड़ा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है लाभा ब्लेज कर्व 5G। 20,000 के अंदर इंडियन मेड की तरफ से एक लेटेस्ट कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला टॉप नॉइस लेवल का स्मार्टफोन जो है तो आप लोग डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस 3D का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को, 800 nitpick brightness, HDR 10 प्लस का सपोर्ट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7050 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 6 nanometer आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 580,000 के ऊपर एंड्रॉइड को निकल कर आता है। 8 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR5 RAM UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छा देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का कैमरा का बात की तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 64 megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड, 2 megapixel का मैक्रो और 32 megapixel का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 33W चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। 2 साल का OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। स्मार्टफोन में TDO स्पीकर आर ब्लास्टर का सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन का प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB टाइम पे 18,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है Realme P1 Pro। 20,000 के अंदर कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली Realme P1 Pro की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.7 इंच का फुल HD प्लस 3D का OLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को, 2000 nitpick brightness, HDR 10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है, 2160Hz का PWD डिमिंग मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले बढ़िया देखने को मिल जाता है। और परफॉर्मेंस की बात की तो Snapdragon की तरफ से 6th Gen 1 का चिपसेट मिल जाता है जो 4 nanometer फैब्रिकेशन में बेस्ड है। 9 5G का सपोर्ट दिया गया है। 6 lakh का ऊपर एंड्रॉइड को निकल कर आता है। LPDDR4X RAM UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और 3D VC कूलिंग चैम्बर दिया गया है। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है सोनी LYD 600 सेंसर के साथ और OIS का सपोर्ट दिया गया है। 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड और 16 megapixel का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 45W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। Realme UI 5.0 पे बेस्ड है। IP65 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देने को मिल जाता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। और स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB रैम अब डिस्काउंट लगा के 18,500 rupees में मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है IQ Z9 5G। 20,000 के अंदर IQ के तरफ से पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली IQ Z9 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को, 1800 nitpick brightness मिल जाता है, HDR 10% सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7200 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 4 nanometer फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 7,30,000 के ऊपर एंड्रॉइड को निकल के आता है। 8 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X RAM UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात की तो स्मार्टफोन के पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा सोनी IMX 882 सेंसर के साथ, 2 megapixel का डेप्थ और 16 megapixel का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 44W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। फांटा जो इस पे बेस्ट होगा।
दो साल के OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। 8GB रैम 128GB वेरिएंट 18,000 से लेकर 20,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है पोको X6। 20,000 के अंदर एक अल्टीमेट लेवल का स्मार्टफोन चाहिए जो डेफिनेटली पोको X6 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का 1.5K के रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1800 निटपिक ब्राइटनेस मिल जाता है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, 12 बिट कलर डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस की बात की तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का चिपसेट मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 6 लाख के ऊपर एंड्रॉइड को निकल गया है, 10 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X RAM UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया जो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है OIS के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 5100 mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67 वाट फास्ट चार्जिंग को, 0-100% चार्ज 44 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, MIUI 14 पे बेस्ड है। आयर ब्लास्टर का सपोर्ट, IP54 का वाटर एंड रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्कुल बॉडी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और प्राइस की बात की जो 8GB रैम 256GB वेरिएंट अभी के टाइम पे डिस्काउंट लगा के ये स्मार्टफोन 18,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है OnePlus की तरफ से नोट CE3। OnePlus की तरफ से एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.7 इंच का फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 950 निटपिक ब्राइटनेस मिल जाता है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिलता है और 240Hz का ट्रांसफॉर्मिंग रेट दिया गया है। और परफॉर्मेंस का बात किया जाए तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 782 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 7 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है, 8 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। आज चलिए कैमरा का बात कर लेते हैं जिसके लिए OnePlus का स्मार्टफोन जाना जाता है। ये स्मार्टफोन का पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सोनी IMX 890 सेंसर के साथ और OIS का सपोर्ट मिल जाता है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिलता है ये स्मार्टफोन में। और 5000 mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 80 वाट फास्ट चार्जिंग को, 0-61% चार्ज 15 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, ऑक्सीजन OS पे बेस्ड है, LPDDR4X RAM UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्कुल बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट अभी के टाइम पे डिस्काउंट लगा के ये स्मार्टफोन 18,000 के अंदर मिल जाएगा।